जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के मझौली में भाजपा पिछड़ा वर्ग ग्रामीण मंत्री मुकेश साहू अपने साथियों के साथ अपने छोटे भाई के दुकान में घुस गया और छोटे भाई की पत्नी के साथ मारपीट कर दुकान में तोड़फोड़ कर दी। घटना 21 मार्च की बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने 23 मार्च को इस प्रकरण में FIR दर्ज की। मझौली पुलिस ने बताया कि मझौली निवासी 36 वर्षीय सोनम साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह अपने घर पर संचालित होने वाली किराना दुकान में अपने पति अनिल साहू के साथ बैठी थी। तभी 21 मार्च को रात करीब 8:30 बजे जेठ मुकेश साहू अपने साथी सुनील बागरे एवं अरविंद साहू दुकान में घुस गए और पति के साथ गाली गलौज करने लगे। सोनम ने गाली गलौज का विरोध किया तो मुकेश ने उसे थप्पड़ मारते हुए मारपीट कर दी। मारपीट के साथ ही दुकान में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने आरोपी मुकेश साहू, सुनील एवं अरविंद के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अनिल और सोनम ने पुलिस को यह भी बताया कि मुकेश ने ड्रॉज में रखे करीब 2.5 लाख रुपए भी निकाल लिए और अपने साथी को दे दिए। पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। ये थी आज की खबर। और खबर हम आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।